हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के बच्चे भी बोल रहे थे कि हमारे लिए कुछ हो पाएगा या नहीं, उसके बारे में बताइए। तो यस, आज हम एनआईएस डीएलएड में जो है जो वैकेंसीज आई थी और निकल चुकी है और उसमें एनआईएस डील को शामिल नहीं किया या फिर एग्जाम ले लिया गया और फिर उन लोगों को नहीं शामिल किया गया, उन सभी पर बात होगी। टीआरई को लेकर के बात होने वाली है, टीआरई 4 के बारे में भी हम बात करेंगे और हमारा एनआईएस डीएलएड के को लेकर के जो 5 नवंबर को केस है उसकी सुनवाई के बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो, एनआईएस डीएलएड को लेकर के सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि हम वैकेंसी जो भी आएगी उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं। तो सिंपल तरीके से मैं बता दूं कि टीआरई 4 जो आने वाला है बिहार में, उसमें बिल्कुल आप लोग शामिल होंगे, इसी के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हम अभी पीछे हट गए या फिर हम लोग जो है एक साथ नहीं मिल करके आए तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अभी एकदम आप दरवाजे पे खड़े हैं वैकेंसी के लिए अंदर जाने के लिए, लेकिन आपको वहीं से दरवाजा बंद किया जा सकता है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि साथ में आइए। भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अभी साथ में मिलकर के आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है? क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? तो टीआरई 4 में तो शामिल करवाने के लिए पूरी कोशिश की ही जा रही है और 5 नवंबर को जो ये सुनवाई होने वाली है इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आ जाता है कि हाँ अंतरिम राहत दी जाती है और जो भी वैकेंसी है अभी एनआईएस डीएलएड को कंसिडर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बिहार तो यहाँ पर एमए में शामिल है ही, उनके उनके टीआरई 4 में बच्चे शामिल हो जाएंगे एनआईएस डीएलएड के, ये तो लगभग है। लेकिन साथ दोगे तभी हो पाएंगे। दूसरी जो चीज है टीआरई 2 एंड टीआरई 3 को लेकर के है, जैसे कि आप जानते हो कि बिहार में जब टीआरई 1 हुआ था तो जो पहला आप लोगों का रखा गया जो रिजल्ट आया उसमें जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को लिया गया, उन्होंने ज्वाइन भी किया है। लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो वहां पे जो भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी गए उन लोगों को नहीं लिया गया, उनको वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 के भी बच्चे यहां पर जो है ये अनजस्टिस का शिकार हुए हैं, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के भी बच्चे हुए हैं क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया है। जब ये मामला अभी भी कोर्ट में है तो इनको अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई है, यही सारी क्वेश्चन है। और इसलिए जो है काम किया भी जा रहा है टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए ये काम जो है चल रहा है। अभी आप लोग का जो है ना कुछ रवैया ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग जस्ट निश्चिंत हो गए हो कि हाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। देखो, होगा तो ठीक है, ये तो चलेगा, नहीं होगा तो फिर ठीक नहीं है, फिर तो सभी सभी चीजें जो है खराबी है और वो खराब पूरी तरीके से हो जाएंगी। अभी जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि 5 नवंबर की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपना गला जो है फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि भाई 5 नवंबर की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सपोर्ट जरूरी है। अभी थोड़ी सी चीजों के लिए आप चूक रहे हो और फिर उसके बाद बाद में बैठ करके एक लंबा लंबा मैसेज डालोगे कि मैम प्लीज ये मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा दीजिए कि ये चीजें हुई हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। आज सपोर्ट करना है तो आज कहां गए हो आप लोग? ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो राज्य है जहां पे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है उन सभी से मांग हो रही है। 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए ये जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, आप लोगों के लिए लड़ी जा रही है। अगर इसमें लॉस होता है, इसमें अगर फेल होते हो तो आप लोगों का नुकसान है। तो इसीलिए इसमें आप लोग अभी किसी और की बातें ना सुनिए एंड साथ आइए। आपके 500,000 से जो है लगता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन बेनिफिट भी आप ही को होने वाला है। जब आप 1,000 रुपए देते हो, 500 रुपए देते हो, तो वो आप लोगों के पास एज अ नौकरी, एज अ गवर्नमेंट जॉब लौट करके आने वाला है। तो इसीलिए सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बोला जा रहा है बार बार। एनीवेज, अभी फिलहाल 5 नवंबर की सुनवाई के बारे में जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है और इसलिए
टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बच्चों के लिए भी काम किया जा रहा है ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके। तो काम एक बोल सकते हो कि वाइड लेवल पे जो है किया जा रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे काम हो रहा है। अब इसका डिसीजन कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो तो 5 नवंबर को पता चलेगा। और हाँ, एक और चीज, रिव्यू में टैग तो हो गया है मामला, अब हो सकता है कि गवई सर जो है ये बोल दे, जस्टिस गवई, कि हाँ अब हमें जो है इस मामले को निपटाना ही है। जैसे कि आप लोगों ने बीएड वर्सेस बीटीसी में देखा था कि अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी, अब उस केस पे फिर से जब उन लोगों को उसमें क्लैरिफिकेशन देना था तो लगातार ही लग गए। तो जनरली यही होता है कि जिस केस में फाइनल सुनवाई करनी है या क्लैरिफाई करना है तो उसको कंटिन्यूअस सुन लिया जाता है। तो वैसे ही अगर इसमें चीजें होंगी तो फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर सीनियर एडवोकेट लाने के लिए फंड नहीं होगा और सीनियर एडवोकेट आएंगे नहीं, तो फिर आपकी बातें वहां पर सही तरीके से पहुंच नहीं पाएगी। यही चीजें हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है एनआईएस जेलेट से लेकर के टीआरई 2, टीआरई 3 के बच्चे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो विश्वनाथ सर से या उनकी टीम से, जो जो लोग लगे हुए हैं बिहार में उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां से आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन और ज्यादा ले सकते हो। बस ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप लोग लगातार मैसेज कर रहे थे इसलिए दिया जा रहा था। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो लोग टीआरई 1 में सिलेक्ट हो चुके हैं, पहले रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों को डर है कि कहीं हमें हटाया ना जाए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अभी आप लोगों पे खतरा नहीं है, लेकिन अगर फिर से रिव्यू में कुछ निगेटिव आ जाता है तो फिर खतरा ही खतरा है, फिर तो हटाया जाएगा। तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नौकरी मिल गई है तो सब कुछ हो गया, छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है, सपोर्ट अभी सबको एक्चुअली में मिल करके साथ में आने की जरूरत है, साथ में आकर के कैसे हम इस चीज को से बाहर निकल जाए। बस एक जस्ट ऐसा लग रहा है कि एक पुश की जरूरत है, गड्ढे से निकलने वाले हो और वो अगर नीचे से पुश नहीं मिला तो फिर से गड्ढे में गिरोगे, और अगर मिल गया तो बाहर निकल जाओगे और एनआईएस डीएलएड को इंसाफ मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड है, कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।